मेरी बताई हुई एक्सरसाइज फॉलो कर लीजिए, विद इन अ मंथ आपका कितना भी पुराना कमर दर्द हो वो हो जाएगा जड़ से खत्म। इनफैक्ट ये आपके बैक के पोस्चर को भी ठीक करेगी, क्योंकि बहुत लोग अपनी बैक बेंड करके अजीब तरह से खड़े होते हैं जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी मुड़ी रहती है और वहाँ पर परमानेंटली पेन स्टार्ट हो जाता है और कई लोगों की बैक बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। तो ये आपके बैक को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके बैक पेन को हमेशा के लिए ख़त्म करेगा। बहुत इजी एक्सरसाइज है, कैसे करनी है और स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाया है 20th मार्च को, मेरे चैनल हेल्थ टाइम पे वीडियो आया था और उसमें कमेंट किया था प्रियंका जी ने कि मुझे बैक पेन रहता है और उससे रिलेटेड कोई एक्सरसाइज बताएं जिससे कि मैं अपना बैक पेन से छुटकारा पा सकूं। तो उनके कहने पे मैंने ये वीडियो बनाया है, डेफिनेटली आप भी ऐसे ही कमेंट कर सकते हैं तो मैं आपके कहने पे भी आगे वीडियो प्रोसेस करती रहूंगी। तो हंसी खुशी के साथ बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से एक पैर को आगे करना है, एक पैर को आपको पीछे रखना है। आपने अपने हाथों को ऊपर लेकर आना है ऐसे, और फिर इस तरीके से आपको पूरा अपना बैक स्ट्रेच करना है। आपको करना है कम से कम इसको 10 बारी और जितना ज़्यादा हो सके पूरे दिन में उतनी बार आप इसको रिपीट करते रहें तो उतना ही ज़्यादा आपके इफेक्ट आएगा। आप देख रहे हैं जब मैं अपनी बैक अपने हैंड्स को पीछे लेके जाती हूँ और अपनी लेग्स को आगे मूव करती हूँ, घुटनों को बेंड करती हूँ, तो पूरा अपनी बॉडी को और अपने बैक को स्ट्रेच देती हूँ। तो आपको भी अपना पूरा फोर्स अपनी बैक पे लगाना है। ऐसे अगर आप कंटिन्यूस करते रहेंगे विद इन अ मंथ आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील होगा अपनी बैक पेन में। अब बढ़ते हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ। इसके लिए आपको अपनी नीज को इस तरीके से बेंड करना है, अपने हाथों को यहाँ पे जॉइन करना है और इस तरीके से आपको वाइड करना है। इसको भी जितना मैक्सिमम हो सके उतना आप करिए। इससे आपकी अपर बैक का जो है पेन जाएगा। जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उससे आपका यहाँ लोअर बैक का पेन जाता है और इससे आपका यहाँ अपर जो बैक होती है हमारी, जो ट्विस्ट होती है जब हम पुशअप्स करते हैं या बेंड होती है, हमें कुछ बेंड करके लेना होता है तो इस एरिया में भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये उस एरिया के लिए था, मतलब प्रॉपर आपकी बैक पेन पर अच्छा इफेक्ट डालेगी। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप चेस्ट के बल मैट के साथ लेट जाइए। यह आपका बॉडी पोजिशन होगा, हाथों को आगे लेके जाना है पहले बिल्कुल सीधा और आपको अपनी बॉडी को बिल्कुल बैक को स्ट्रेच करना है। कैसे फॉलो करिए, पैरों को ऊपर उठाइए, इससे आपका पूरा लोड आपके बैक पर आएगा और वहाँ का जो पेन है बिल्कुल गायब हो जाएगा। अगेन मैं आपको करके दिखाती हूँ, जितना मैक्सिमम हो सके अपने अकॉर्डिंग करिएगा, अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंग। नोटिस करिएगा मैं पैरों को भी फ्लोर से ऊपर उठा रही हूँ और बैक को स्ट्रेच कर रही हूँ। कुछ सेकंड होल्ड करिए पोजीशन, देन रिलैक्स हो जाइए, अगेन फॉलो करिए। तो गाइस यहां पर खत्म होती है हमारी तीन एक्सरसाइज जो आपके बैक पेन से हमेशा के लिए आपको छुटकारा दिलाएंगी। बस फॉलो करना आपका काम है, बताना मेरा काम है। और सबसे ज्यादा मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी प्रियंका उत्कर्ष जी को, क्योंकि उन्होंने सजेशन दिया, उनका एक सजेशन बहुत लोगों की जिंदगी में उनको हेल्प करेगा। तो ऐसे ही आप प्यारे प्यारे मुझे सजेशन देते रहें और मैं वीडियो बनाती रहूंगी और आपके लिए हमेशा कुछ बेहतर लाती रहूंगी और आपकी लाइफ को खुशनुमा बनाती रहूंगी। तो बस प्यार देने के लिए लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मिलते हैं हंसी खुशी के साथ, कुछ नए जोश के साथ, कुछ नई एक्सरसाइजेस के साथ। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।